वहीं बैठक के बाद देखिए कांग्रेस मंत्रियों और नेताओं ने उपचुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया और धनबल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तो हार पर विश्लेषण करेंगे कमलनाथ, लेकिन ये सब चीजें दिवाली के बाद होंगी। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि कमलनाथ अब केंद्र की तरफ रुख नहीं करेंगे, जैसा कि पीसीसी की तरफ से प्रेस नोट जारी कर ये बात कही गई है। यानी कि वो मध्य प्रदेश की ही राजनीति को संभालेंगे और 2023 में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक नई कांग्रेस के तौर पर वो सामने आएंगे, कांग्रेस नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बहुत जरूरी है इस वक्त हार पर विश्लेषण करना, समीक्षा करना, आखिर कहाँ चूक हुई है, इस पर ध्यान देना।